मेजर मोहम्मद अली शाह हैं हमारे साथ इस वक्त। जी देखिए, बीटिंग रिट्रीट दरअसल असल में शुरुआत इसकी हुई थी मिड 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड से। जी यानी कि जितनी पेट्रोलिंग पार्टीज थी उस टाइम पे एक सिंगल शॉट हवा में फायर कर रहे थे, एक सिंगल गन शॉट कैनन शॉट था। यानी कि जितनी पेट्रोलिंग पार्टी ने वापस आ जाओ भाई, लौट के आ जाओ घर, अब हो गया, दिन समाप्त हो गया बेसिकली। द डे हैज एंडेड इन अ वे, इट्स लाइक जैसे 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 फाइट करी में ऐसी भाषा में समझाऊंगा कि हर एक चीज को समझ में आ जाए। जैसे कि स्कूल में होती है छुट्टी, घंटी बजती है टंग, उस तरीके से एक तरीके से, मतलब एक तरीके से मैं कह रहा हूँ, तो बीटिंग रिट्रीट शुरुआत वैसे हुई थी। अब उसके पहली मर्तबा हिंदुस्तान में हुई थी बीटिंग रिट्रीट सन 1955 में, और हमेशा बीटिंग रिट्रीट विजय चौक, रायसेना हिल, राष्ट्रपति भवन के इस तरफ को, मतलब जहाँ पे साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक दोनों फ्लैंक होते हैं जी, वहां पे होती है हर साल, और यहाँ पे राष्ट्रपति हमेशा इसके चीफ गेस्ट होते हैं। और अगर कोई फॉरेन सेक्रेटरी आते हैं, कोई फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आते हैं, तो फिर जी हाँ, वो ही मोस्ट वेलकम। और इसमें हमारी आन बान शान डिस्प्ले होती है, इसपे तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बैंड होते हैं। अभी 2016 के बाद से तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के भी बैंड इसमें शामिल होने लगे हैं, और ऐसी शानदार ट्यून्स इसमें होती हैं। हमें अच्छे से याद है, आज से 14 साल पहले सन 2008 में, 26 जनवरी 2008 में, मैंने 26 जनवरी की परेड की असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था मैंने। और ये तीन दिन, और हमेशा ये 3 दिन के बाद ही होता है, ये रूल है, मतलब इसका कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस हो गया, पब्लिक डे, उसके तीसरे दिन मतलब 29 जैसे आज हो गई, वैसे 29 को ही ये मीटिंग रिट्रीट मनाई जाती है। इसकी जोर शोर से इसकी प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल होती है, और चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे कुछ भी हो, हर आफत से हमें लड़ते, सीमा पर हम जीते मरते, मतलब ऐसा ऐसी धुन आपने सुना कि रोम पे हर किसी खड़े हो जाए और हर कोई से झूम उठे, तो मीटिंग रिट्रीट का बेसिकली सिग्निफिकेंस ये है। जी मेजर मोहम्मद अली शाह, ये तो ड्रोन हमने देखा कि टेक्निकली आज उन्होंने लेजर शो भी दिखाया, लेकिन अब इन ड्रोन्स को हमारी जो सेनाएं हैं वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। आजकल टेक्निकली ड्रोन्स का होना सेनाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, मैं आपको हल्का सा कुछ एक 40 साल पहले ले आता हूं। मैं 2 जनवरी 2020 में इराक में यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक करी बगदाद में, उनकी राजधानी में, क्योंकि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल सुलेमानी साहब, उनको मार गिराया ड्रोन स्ट्राइक से। है अब ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है, हमारे पंजाब के बॉर्डर पे कभी ड्रग्स गिरा देगा, कभी हथियार गिरा देगा, ठीक है, चाइना भी कर रहा है। अभी हमने इसराइल से 4 ड्रोन लिए हैं लीज पे, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाए जाएंगे, जो कि पूरा 3488 किलोमीटर स्ट्रेच है इंडो चाइना बॉर्डर का, वहां पे। अब देखिए, ड्रोन जो है, जैसे पहले क्या होता था कि अगर जैसे कि सुसाइड हमले होते थे ना, कि इंसान को ह्यूमन बॉम्ब बांध के ले आ रहे हो आप, अब सरलों के आप ड्रोन पे लगा दो और कहीं पे भी वो पेनिट्रेट कर जाएगा, उसकी ये खूबी है। अच्छा, और रेडार, खास तौर से कई रेडार इसको पकड़ नहीं पाते हैं, इसकी ये भी खूबी है, क्योंकि दरअसल देखिए, अगर आप देखें तो अक्सर जो मैक्सिमम ड्रोन, लाइक कमरकारी ड्रोन की हम बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी केवल इसराइल के पास है लेजर ड्रोन, तो आप इन ये ड्रोन का जो आउटर सर्फेस होता है ये तकरीबन मेटालिक नहीं होता, कई ड्रोन है, बड़ी सिंपल तरीके में समझा रहा हूं, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं गुजरता क्योंकि हर कोई समझ नहीं आएगा इस बात को। आप देखिए, अगर प्लास्टिक में आप उसको रेडार में आप इतना उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना मेटेलिक को कर पाएंगे, तो जैसे कि अभी जम्मू सतवारी में कुछ तकरीबन 3-4-4-6 महीने पहले सतवारी में हमारे एयरफोर्स बेस पे हमला हुआ था, वहां पे ड्रोन अटैक हुआ था, MI-17 हेलीकॉप्टर था और वहां पे ATC का टावर था करीब में, मगर ड्रोन ऐसी जगह पे गिरा क्योंकि इसके फेल होने के कई वजह थे। एक तो जो हवा थी, जो फिजा थी, वो हमारे पक्ष में थी, और पोर एग्जीक्यूशन, मतलब उन्होंने जिस तरीके से गिराया कुछ ऐसा खास हमको डैमेज नहीं पड़ पाया। तो ड्रोन जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, अर्मीनिया में देख लीजिए, पूरी टैंक ब्रिगेड को बर्बाद कर दिया ड्रोन्स ने। तो ड्रोन्स ऐसा लीथल हथियार है जिसका आप कहीं भी बैठ के रिमोट कंट्रोल के जरिए बिना खुद फिजिकली जाए हुए, अभी चाइना जो है अनमैन्ड व्हीकल्स, अनमैन्ड आर्मी, रोबोटिक आर्मी तैयार कर रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे खिलाफ, क्योंकि हम उनके फौजी कल अनुराग या हमारे जैसे नहीं है भाई, मेरे को होना हो रखा है 104 डिग्री बुखार है, लेकिन बैठा हूं मस्त, बिल्कुल तान के मस्त आपके टीवी पे देख रहा हूं मैं, और खुशी हो रही है इस बात की। चाइनीज आर्मी ऐसी नहीं है,
चाइनीज आर्मी जो है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं, उनको चाहिए कि पहाड़ी में कि भाई वो छुप के बैठ जाए और देखें तो जी वो टेक्नोलॉजी में एडवांस कर रहे हैं, मगर इसका तोड़ हमारे पास में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर शाह और कर्नल शुक्ला, आप हमारे साथ जुड़े। और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से देश हमारा आगे बढ़ रहा है, गणतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है, इसकी तस्वीरें हमने देखी, इसके साक्षी हम बने।